नमस्कार दोस्तों, मार्केट डायरेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम रिलैक्सो शेयर की, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा शेयर है। बात करिए काफ़ी अभी मार्केट की गिरावट के कारण आपको देखने को मिल रहा है 1169 रुपये में, जो कि आपको यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे अगर आप बाय करके रखते हैं, लगभग मैं यहाँ पे टारगेट आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे इस रिलैक्सो शेयर के, फुटवेयर जो कंपनी है काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसी कम प्रॉफिटेबल न्यूज़ आपके लिए लाते रहते हैं। यहाँ पे कई दोस्तों ने यहाँ पे जो कि है बहुत ही लगभग बात करें यहाँ पे 1200 के आसपास बाय करके रखा है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी उस टाइम अच्छा प्रॉफिट दे रही थी। बात करें यहाँ पे मार्केट गिरा नहीं था तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पे आप मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कई बात करें कई होल्डर्स शेयर होल्डर्स जो हैं लॉस में इसको देखने को मिल रहा है, उनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉस चल रहा है। दोस्तों हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शेयर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको नुकसान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप एग्जिट मत होइएगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आप एक अच्छा एवरेज बना के रखते हैं, लगभग यहाँ पे शेयर को अगर अभी मैं बात करूँ बाय की, तो आप इसको लगभग 1150 के आसपास इसको बाय करके रखिए। अगर ये जाने को देखने को मिलता है, लेकिन आपको एक एवरेज बना के रखना है, तो लगभग 1150 के आसपास अगर देखने को मिलता है तो बाय कीजिए। लगभग 160 के आसपास भी बाय कर सकते हैं, जो कि आपको देखने को मिल सकता है। ये अभी आपको एक एवरेज बना लेना है, ताकि एक अच्छा रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाए। और हम चाहते हैं कि पेशेंस अगर आप मार्केट में रखते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिकॉज मार्केट में वही इंसान सक्सेस होता है जो कि एक पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करता है। सो ये पेशेंस के साथ ही मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी अच्छी पॉजिटिविटी है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है शेयर के अंदर। बात करूँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी नेचुरलिटी है, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पे आपको मैं फंडामेंटल क्लियर कर देता हूँ शेयर के, यहाँ पे क्या फंडामेंटल रहेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वॉल्यूशन काफ़ी क्वांटिटी करके गुड शेयर है इसके अंदर, आपको सेक्टर के अंदर बहुत ही लार्जेस्ट कंपनी है। बिकॉज रिलैक्सो करके फुटवेयर कंपनी है, जो कि शूज़ वगैरह बनाती हैं, चप्पल्स वगैरह बनाती है। तो ऐसी बहुत ही कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि एक लंबे समय के टिकने वाली हैं। जो कि बात करें शूज़ कंपनी, अगर लोग पहनना तो बंद कर सकते नहीं है, तो यहाँ पे अगर शूज़ जो है लगभग 2 साल, माने अगर कोई नहीं चलाता है, बहुत कम पहनता है, तो 2 साल लास्ट चलते हैं, उसके बाद तो वो पड़े पड़े भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यकीन करते हैं इस कंपनी पर। यहाँ पे बात करूँ फाइनेंशियल ट्रेड, वेरी पॉजिटिविटी है, आपको कोई रिस्क वाला काम नहीं है। ये शेयर आपको लगभग 3000 तक आराम से देखने को मिलेगा लगभग 1 साल के अंदर। बिकॉज ये शेयर आपको अच्छे लेवल्स पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे काफ़ी जानी मानी कंपनी है। तो लगभग आपको मैं बता दूँ 1 ईयर के रिटर्न जो स्टॉक के अंदर है 87 के रिटर्न है, सेक्टर के अंदर 62 के रिटर्न देखने को मिले हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा। मार्केट कैप बहुत ही बड़ी है, और मार्केट कैप आप देखें 29,000 करोड़ की है, और यहाँ पर बता दूँ पी रेशो भी नॉर्मल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको सेल करना चाहते थे, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव्स के अंदर आप क्लियर कर देता हूँ। तो डेरिवेटिव्स में आपको सेक्टर नहीं बता पा रहा है, लेकिन अच्छा रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग आप इसे बाय करना सेल करना चाहते हैं तो लगभग 1250 के आसपास इसको सेल कीजिए, ताकि अच्छा प्रॉफिट आप ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।